दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू एंड सुंदरनगर। जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के सदस्य आज जिलाधीश कुल्लू से गत दिनों बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से सेब की फसल व पौधों को हुए भारी नुकसान को लेकर मिले। इस दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से सौंपा गया। उन्होंने बताया कि गुठलीदार फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है। प्रदेश में इन दिनों मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लोरिंग हो रही है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में भारी बारिश से शुरुआती दौर में ही सेब की फसल पर संकट छा गया है। कांग्रेस कमेटी ने किसानों व बागवानों को हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम डीसी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से जो कुल्लू जिला में ओलावृष्टि और भारी बर्फबारी हुई है, इसके कारण किसानों और बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। सेब, चाहे सेब के बागवान हो चाहे पलम के बागवान हो, 80-90% जो है लोगों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो ये पीछे बर्फबारी और ओलावृष्टि से कुल्लू जिला में जो बागवानों और किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि बागवानों को उचित मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा भी सरकारी आंकड़ों पर ना देकर धरातल पर जो है फील्ड में जो किया जाए, सर्वे किया जाए, उसके आधार पर जो है बागवानों और किसानों को मुआवजा दिया जाए। सरकार से हम पुरजोर जिला कांग्रेस तरफ से पुरजोर मांग करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहां कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं, और यहां भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।